हाँ आवाज जुड़ गई। चलो बोलो। शिक्षक क्लास में ही नंबर दबा दे रहा हूँ इस माह पे। हाँ प्रिय बच्चों आप सभी से नमस्कार। आज सोशल साइंस में पार्ट दो ग्लोब और अक्षांश, ग्लोब और अक्षांश पाठ पढ़ाना है। तो इसमें पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यह अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह आप अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है।
अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। विश्वत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विश्वत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, वृत्त का एक चौथाई है। विश्वत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विश्वत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विश्वत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विश्वत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी त्रिज्या, उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे व्यक्त किया जाता है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बोली बेलो होरिजेटे, बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश विश्व 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विश्वत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोटे विश्वत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विश्वत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये स्थित शीत कटिबंध कहलाती है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से
जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामनोत्तर, देशांतरी यामनोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। इन एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरीय यामनोत्तर आपस में मिलती हैं। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामनोत्तरों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानव समय क्यों मानते हैं? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के बीच देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब देखेंगे बच्चों, इसमें विकल्प लिखना है, तो विकल्प में हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले होगा सही उत्तर चिन्हित कीजिए। विकल्प है आपका सही उत्तर चिन्हित कीजिए, सही विकल्प। सही विकल्प में आपको लिखना होगा सही विकल्प, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, सही उत्तर में चिन्हित करना है, सही का चिन्ह लगाना है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए।
पहला नंबर होगा बच्चों आपका प्रमुख या मनोत्तर का मान है। नंबर एक में प्रमुख या मनोत्तर प्रमुख या मेहो प्रमुख या मनोत्तर का मान है यह आपका क्वेश्चन पूछता है प्रमुख या मनोत्तर का मान है ये। अब इससे उत्तर आपको देना होगा। पहला है आपका का नंबर में 90 अंश का नंबर आपका है 90 अंश खा नंबर देंगे थे खा नंबर में आपका होगा 0 अंश और आपका गा नंबर में होगा 60 अंश गा नंबर में 60 अंश। अब इसमें आप लोग ये विकल्प दिए गए हैं विकल्प में सही विकल्प खोज करके टिक मारना है। प्रमुख या मनोत्तर का मान क्या है 0 डिग्री ये 0 डिग्री आपका सही है इसमें सही का निशान लगा दिया गया 0 डिग्री। अब इसके बाद देखेंगे शीत कटिबंध नंबर दो में है आपका शीत कटिबंध। अब आएगा आपका शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है किसके नजदीक पाया जाता है। ये आपका आएगा शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। तो इसमें होगा बच्चों आपका पहले नंबर में ध्रुवो का नंबर में आपका क्या होगा का नंबर में होगा बच्चों आपका विषुवत वृत्त विषुवत वृत्त और इसके बाद कर्क रेखा गा नंबर में है आपकी कर्क रेखा। हाँ तो बच्चों इस प्रश्न में प्रश्न आपका कहता है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है तो ये ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है ये टिक मार दिया हमने ये ध्रुवों सही है ध्रुवों में सही का निशान लगा दिया गया ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। तीसरा नंबर आपका होगा देशांतरों की कुल संख्या है नंबर तीन देशांतरों की कुल संख्या देशांतरों की कुल संख्या है ये आपका क्वेश्चन है देशांतरों की कुल संख्या है पहले में है
का नंबर है 307, का नंबर है आपका 360। खा नंबर में होगा आपका 180, 180। ग नंबर में होगा बच्चों आपका 90। तो अब इसमें आपको विकल्प से छाट नहीं करना है, विकल्प से देखना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कहता है देशांतरों की कुल संख्या है। तो बच्चों देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतर कितने होते हैं, 360। आपका का नंबर सही है 360 में, सही का निशान लगा दें, ये का नंबर आपका सही हो गया 360 है। बात सत्य है 360, देशांतरों की कुल संख्या है 360। अब आएगा चौथा नंबर आपका, चौथा नंबर में क्वेश्चन है बच्चों आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण स्थित है। ये क्वेश्चन आया आपका। इसमें बच्चों प्रश्न कहता है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। तो अब विकल्प से आपको देखना होगा, का नंबर में है उत्तरी गोलार्ध में, का नंबर आपका होगा उत्तरी गोलार्ध में, पहला नंबर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में खा नंबर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, खा नंबर में आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध, में भी होगा आपका पूर्वी गोलार्ध में, इसमें हुआ पूर्वी गोलार्ध में ये आपके तीन विकल्प है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, कि पूर्वी गोलार्ध में। तो इसमें दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका सही का उत्तर दिया गया उत्तरी गोलार्ध में। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड लो पांचवें नंबर में, तो ग्रिड किसका, ग्रिड किसका जाल है, या ग्रिड किसका जाल है, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ग्रिड किसका जाल है। तो ग्रिड में पहला है आपका अक्षांश, रेखाओं या देशांतर, अक्षांश रेखाओं या देशांतरीय यामनोत्तरों का, अक्षांश रेखाओं का नंबर में है,
अक्षांश रेखाओं रेखाओं या देशांतरीय या मनोत्तरों का अक्षांश रेखाओं या देशांतरीय 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 या मन या मनोत्तरों का या मनोत्तरों या मनोत्तरों अक्षांश रेखाओं या देशांतरी या मनोत्तरों या मनोत्तरों का हा नंबर में देखते हैं। हा नंबर में है बच्चों कर्क रेखा एवं मकर रेखा का कर्क रेखा एवं मकर रेखा का ये होगा कर्क रेखा एवं मकर रेखा। फिर है उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का नंबर है उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव ये आपके तीन हो गए। ठीक है ग्रिड किसका चाल है अक्षांश रेखाओं या देशांतरीय या मनोत्तरों का या कर्क रेखा या मकर रेखा का या उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें बच्चों आपका सही होगा ग्रिड का जाल अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय या मनोत्तरों का। तो ये आपका सही है तो हमने सही का टिक मार दिया ये सही का टिक है इसमें ये आपका सही होगा ये अक्षांश रेखाओं या देशांतरी या मनोत्तरों देशांतरी या मनोत्तरों कर्क रेखा एवं मकर रेखा का नहीं होगा अक्षांश रेखाओं या देशांतरी या मनोत्तरों का इसमें आपका सही का निशान है। इस तरह से ये आपका विकल्प हो गया पाठ दो का सही विकल्प में सही का टिक मारना था प्रमुख या मनोत्तरों का मान क्या है 0 डिग्री प्रमुख या मनोत्तरों का मान कितना हुआ बच्चों 0 डिग्री। दूसरा है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है तो इसमें उत्तर में होगा आपका ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। इसके बाद है देशांतरों की कुल संख्या है देशांतरों की कुल संख्या है तो देशांतरों की कुल संख्या है 360। बच्चों देशांतरों की कुल संख्या कितनी है 360। इसके बाद चौथे नंबर में है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है कहां पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है ग्रिड किसका जाल है तो ग्रिड में अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय या मनोत्तरों का जाल है अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय या मनोत्तर का जाल है। तो इस तरह से ये आपका पाठ दो हो गया। अब इसमें पृथ्वी का सही आकार क्या है ये प्रश्न आता है बेटा पृथ्वी का सही आकार क्या है तो पृथ्वी का सही आकार यह हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है।
ये इसका उत्तर हुआ। फिर आपका प्रश्न पूछता है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब, फिर आपका क्वेश्चन है ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एवं वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी, हाँ, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 28 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध क्या हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। देशांतर रेखाओं में बताया गया बच्चों, जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतरी रेखा। ये देशांतरी रेखा हो गई। और इसके बाद पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध कहां पर हैं? पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध, पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। ये तीन कटिबंध है आपके। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। तीसरा क्या है बच्चों? शीत कटिबंध। फिर पूछता है आपका ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे बड़ी मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यह सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है उष्ण कटिबंध। ऊष्मा की सबसे अधिक गुहा जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्या क्यों बजते हैं? अब आइए, रिक्त स्थान है आपका, खाली स्थान भी देखें बच्चों। मकर रेखा डॉट डॉट पर स्थित है। मकर रेखा डॉट डॉट पर स्थित है अर्थात कहां? मकर रेखा कहां पर स्थित है? 23 सही 1/2 दक्षिण। मकर रेखा 23 सही 1/2 दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर, भारत का मानक यामोत्तर डाट है 82 सही 1/2 पूर्व। भारत का मानक यामोत्तर 82 सही 1/2 पूर्व है। 0 डिग्री यामोत्तर को
डाटा के नाम से जाना जाता है, प्रधान मध्यान रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत का मानक यामोत्तर 82.2 डिग्री पूर्व या 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान मध्यान रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी डाट की तरफ घटती जाती है, किसकी तरफ घटती जाती है? देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती जाती है। ये जो ध्रुव के पास पहुंचती है त्यों इनकी दूरी कम होती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त डाट गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त डाट गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त कहां पर स्थित है बच्चों? दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इस तरह से बच्चों ये आपके पाठ दो के प्रश्नोत्तर भी हो गए और विकल्प रिक्त स्थान आपके पूरे हो गए हैं। इनको अच्छा सा हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लेना है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों से। यहाँ से